वैश्विक भैरव साधना इन्हीं कंदराओं में होने जा रही है। महायोगी कलांतक नाथ सत्येंद्र नाथ जी की महाराज जी की आज्ञा से हम इन रास्तों का निरीक्षण करने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि यहाँ पहुँचने वाले साधकों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। वैसे ये दुर्गम रास्ते अत्यंत दुष्कर हैं और यहाँ पहुँचना अत्यंत जटिल है, मगर कलांतक नाथ जी के ऐसे आदेश हैं कि इस मार्ग को साधकों के लिए जितना हो सके सुगम से सुगम बनाया जाए, ताकि वो यहाँ तक पहुँचकर अपनी साधनाओं का, इन दिव्य साधनाओं का अलौकिक आनंद उठा सकें और इन साधनाओं से जो शक्ति उनके भीतर उतरेगी वह अलौकिक होगी। वह ब्रह्मांड में और विश्व में पहली बार ऐसी साधना का आयोजन किया जा रहा है। दुर्गम हिमालय पर इस तरह की साधना आज से पहले कभी नहीं हुई। ऐसे साधक जिन्होंने आज से पहले हिमालय के दर्शन नहीं किए होंगे, और महायोगी जी की अनुकंपा से और दादा गुरु जी की जो आज्ञा हुई है महायोगी जी को कि वैश्विक भैरव साधना हिमालय पर भी करवाई जानी है। ऐसा दिव्य अवसर है, ऐसा मुहूर्त है जब विश्व भर में विश्व के विनाश की भविष्यवाणियां की गई हैं, लेकिन पहली बार महायोगी जी ने किसी विशेष प्रयोजन से यहां पर अपने साधकों को, चुनिंदा साधकों को यहां पर एकत्रित किया है। इसका जो सार है वो तो कलांतक नाथ की महिमा वही जाने, वही बता पाएंगे इसका सार, मगर जो यहाँ पर साधक पहुँचेंगे वो वास्तव में निराले और दिव्य होंगे।
अनुभूति विलक्षण होने वाली है, क्योंकि हजारों वर्षों बाद ये दिव्य अवसर आया है और यहाँ पहुँचने वाले साधकों के लिए ये अलौकिक अवसर संभवतः दोबारा ना आए। वैश्विक भैरव साधना की तैयारियां जोरों पर हैं। इन दिनों हिमालय पर लगातार जो कालांतक पीठ की टीम है दिन रात एक किए हुए साधकों के आवागमन हेतु। यह एक ऐसा अवसर है जो विश्व भर में पूरे भूमंडल पर इस बात की चर्चा जोरों से है कि 21 दिसंबर 2012 को विश्व विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है, मगर कालांतक नाथ ने भविष्यवाणी की है। कालांतक नाथ ने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कलयुग में सतयुग का प्रत्यंतर शुरू होने जा रहा है और ऐसे दुर्लभ अवसर पर होने जा रही एक विलक्षण साधना वैश्विक भैरव साधना, इसकी एक एक तैयारियां कालांतक नाथ के मार्गदर्शन में हो चुकी हैं। यहां पर कालांतक पीठ की टीम दिन रात एक किए हुए साधकों की सुविधा के लिए हर व्यवस्था यहाँ पर जुटाई जा रही है। हम दिन रात एक किए हुए हैं, सीधे हिमालय से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप जब इन मार्गों से गुजरेंगे तो यहाँ की विलक्षणता को स्वतः अनुभव कर पाएंगे। यह कड़ाके की ठंड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने विशेष प्रकार के गर्म वस्त्र धारण किए हुए हैं और कालांतक नाथ इन दिनों भी ऊंची चोटियों पर साधनारत हैं। वह निरंतर वैश्विक भैरव साधना की जो शास्त्रीय पद्धति है, जो विशेष विधान है कालांतक संप्रदाय के मुताबिक, उसको संपन्न करने में लगे हुए हैं। इस विधान के तहत उन्हें महीनों पहले से यहाँ व्रत धारण करना पड़ता है और निरंतर मंत्र जाप करने पड़ते हैं, ताकि यहाँ की अलौकिकता को, यहाँ की दिव्यता को और यहाँ की सुप्त शक्तियों को जागृत कर वातावरण में वो अलौकिकता पैदा कर सके, जिससे इस साधना में पराभौतिकी शक्तियों का समावेश हो और पराभौतिकी शक्तियाँ यहाँ पहुँचने वाले साधकों को आशीर्वाद दे सके।
और उस दिव्य अनुभूति के चरम तक साधक, प्रत्येक साधक पहुंच सके। महायोगी जी की विशेष कृपा है, वे इस साधना के लिए विशेष तैयारियों में जुटे हुए हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्येक साधक यहाँ से विश्व का अनुपम जो अनुभव है उसको लेकर अपने साथ जाए और विश्व भर में यह बात बता सके दावे से कि शक्तियाँ कितनी विलक्षण, हिमालय की जो शक्तियाँ कितनी विलक्षणता से, कितनी प्रखरता से आज भी जीवंत हैं और वे विश्व का मार्गदर्शन कर रही हैं, वही सृष्टि का वास्तविक संचालन कर रही है, वही वास्तव में इस जगत की नियंता है। जहाँ पर विज्ञान समाप्त हो जाता है, पूरी तरह विज्ञान अपनी जो सीमाएं हैं वो समाप्त कर देता है, वहाँ से ये साधनाएं और वहाँ से ये शक्तियाँ अपना कार्य आरंभ करती हैं और वहाँ से ये विलक्षणता का जो साधना का विलक्षण विज्ञान है वहाँ से शुरू होता है। और वास्तव में यह एक धरती पर होने वाला विलक्षण कार्यक्रम है जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। वर्षों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक पुनः नहीं होगा। तो इस साधना में आने वाले समस्त साधकों को हमारा आग्रह है कि वे अपनी पूरी तैयारी के साथ जो जो हम
कोलांतक पीठ की वेबसाइट के माध्यम से अपडेट करेंगे। वे पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए, क्योंकि यहाँ आना अपने आप में जितना गौरव में है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। और यहाँ पहुंचकर साधक जिस चरम पर पहुंचेगी उसकी पहले से तैयारी करें, योग अभ्यास और प्राणायाम का, जैसे गुरुदेव ने पहले ही बताया है आप लोगों को कि उसको पूरी तरह से अभ्यास करना अभी से शुरू कर दें। जो मंत्र आपको कोलांतक पीठ की वेबसाइट पर अपडेट किए जाएंगे उनका विधिवत अभ्यास शुरू कर दें, ताकि यहाँ के वातावरण की अनुकूलता आपके भीतर समाहित हो सके और आप उस दिव्यता के लिए पूर्ववत तैयारी कर सकें।